अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज सुमैया अरोड़ा। आई होप आप सब ठीक होगे। टुडे आई विल शेयर विद यू हाउ टू यूज टिंकल रेजर फॉर द फर्स्ट टाइम। जब आप इसको यूज करते हैं आपकी स्किन पे किस तरह का फील होता है और आपसे क्या मिस्टेक्स हो सकती हैं। अच्छा, जब मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड की थी तब फर्स्ट टाइम जो मुझसे मिस्टेक हुई थी वो मैंने पार्ट बिल्कुल भी स्किप नहीं किया, आप वो वीडियो में भी देख सकते हैं। अच्छा, ये टिंकल रेजर आपको दराज से इजिली मिल जाते हैं और आपको मार्केट में भी अवेलेबल है। इसकी बैक साइड पर सारी इंस्ट्रक्शन भी दी हुई है। इनको यूज करने से पहले आपने कोई भी मॉइस्चराइजर या फिर एलोवेरा जेल अप्लाई करना होती है। तो मैंने मॉइस्चराइजर अप्लाई किया था और इस तरह से बड़ा भर भर के, ताकि जो हेयर्स हैं वो काफ़ी सॉफ्ट हो जाए और उसके बाद मैं इनको रिमूव करूं। अगर आप अपर लिप्स पे कर रहे हैं, चाहे आप अपने फोरहेड पे या फेशियल हेयर्स कर रहे हैं, तभी आप अगर अप्लाई करते हैं तो वो बिल्कुल स्मूथ हो जाते हैं। और इसके बाद आपने रेज़र यूज़ करना होता है। और ये रेज़र आप देख सकते हैं, इसके ऊपर इस तरह से ये ज़िगज़ैग बने हुए होते हैं। और अच्छा, जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम, ये मैंने बहुत डरते डरते मैंने बिल्कुल भी वीडियो को फास्ट नहीं किया, बहुत स्लो स्लो जिस तरह से मैं कर रही हूँ उसी तरह से है वीडियो। अच्छा, जब मैंने इसको किया ना, अब आपको मेरे हाथों से भी पता चल रहा होगा कि मैंने फर्स्ट टाइम इसको यूज़ किया। बिल्कुल मैंने 90 के एंगल पे रख के मैंने इसको किया था और ये देखिए बिल्कुल भी एक जो बाल है ना वो भी नहीं निकल रहा था, बिल्कुल भी कुछ भी रिमूव नहीं हुआ, बल्कि जो स्किन के अंदर चला गया था, जो हेयर्स के ऊपर था ना मॉइस्चराइज़र, वो आ गया था रेज़र के ऊपर और बाल बिल्कुल भी रिमूव नहीं हो रहे थे। और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ये मेरे पास जो रेज़र मुझे मिले हैं, चाहे लगता है ये फेक है या ये अच्छे नहीं है। फिर मैंने क्या किया कि मैंने फिर अप्लाई किया एलोवेरा जेल। मैंने कहा पहले मैंने मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया था, वो शायद सही नहीं है, मैं ये लगा लेती हूँ एलोवेरा जेल। वो अप्लाई करने के बाद मैंने अगेन जो है ना वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के मैंने फिर से स्टार्ट किया और फिर थोड़े बहुत एक दो बाल निकले। और फिर भी मैंने 90 के एंगल पर रखा हुआ था। और ये बेसिकली मैं आपको इसीलिए दिखा रही हूँ, ये मिस्टेक में भी आपसे हो सकती है क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जब बंदा यूज़ करता है तो हो जाता है। चले जी, फिर मैंने लिया दूसरा रेज़र मैंने ले लिया और फिर मैंने कहा चले इससे ट्राई करते हैं। उसको मैंने रखा 45 डिग्री पे और इससे मैंने रिमूव किया और देखिए आप काफ़ी अच्छे से रिमूव हो गए। मैंने कहा ये वाला सही है, दूसरे वाला सही नहीं है। फिर मैंने दूसरे वाला जब ट्राई किया तो दूसरे वाला भी सही था, बस मेरा रखने का मेरा एंगल ठीक नहीं था। ठीक है, अच्छा इससे बिल्कुल भी कट्स नहीं लगते, ईजी टू यूज़ है। और जो मिथ्स क्रिएट हो जाती है कि बाल पता नहीं इनको यूज़ करेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, हेयर्स इंक्रीज हो जाएंगे, ये थिक हो जाएंगे, ये पता नहीं क्या हो जाएगा। और मैंने भी बहुत डर डर के इसको यूज़ किया था और यकीन करें एक मंथ हो गया, कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल भी आपके हेयर्स इंक्रीज नहीं होते। अगर आपको हार्मोनल इशू है, आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हैं, तो अगर आप चिन पे यूज़ करते हैं तो आपको जैसे बियर्ड वगैरह आ जाती है आपकी। तो अगर आपको भी हार्मोनल इशू है या फिर आपको एक्ने बहुत ज़्यादा है तो आप इसको मत यूज़ कीजिएगा। और इसके अलावा इसको यूज़ कर सकते हैं आप अगर आपकी स्किन ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है, आपको एलर्जी, स्किन एलर्जी आपको नहीं रहती, जैसे इचिंग कुछ लोगों को रहती है, अगर आपको उस तरह से होता है तो आपको ये हल्की हल्की आपको इचिंग ज़रूर होती है जब आप इसको यूज़ करते हैं। अगर आप कोई भी मॉइस्चराइज़र अप्लाई नहीं करते, कुछ लोग कहते हैं कि आप मॉइस्चराइज़र कुछ भी ना लगाएं, जस्ट आप हेयर्स रिमूव कर लें, जब आप कुछ भी अप्लाई नहीं करते लाइक एलोवेरा जेल या फिर मॉइस्चराइज़र वगैरह अप्लाई नहीं करते, तो बाद में आपकी स्किन पे इरिटेशन होती है, इचिंग होती रहती है कुछ टाइम के लिए, फिर उसके बाद सही भी हो जाती है। लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि आप मॉइस्चराइज़र या इस तरह से कुछ अप्लाई करने के बाद ही हेयर्स को रिमूव करें। और अगर आप इनको आईब्रोज़ पर यूज़ करते हैं तो आईब्रो पर यूज़ करने के लिए आप ऊपर की साइड पर तो आप इसको ईजीली शेप दे सकते हैं, हेयर्स रिमूव हो सकते हैं, लेकिन अंदर की साइड पर आपकी आईज़ पर बहुत ही आपकी सेंसिटिव स्किन होती है, आपकी स्किन पील ऑफ हो सकती है, आपको कट लग सकते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा इससे प्रैक्टिस नहीं है तो बाकी अगर आप इसको फेशियल हेयर्स रिमूव करते हैं या आप अपने अपर लिप को करते हैं तो इसके लिए तो बेस्ट है। अगर बहुत ज़्यादा आपके हेयर्स थिक हैं तो आप उनसे रिमूव करते हैं तो आपको पता है कैसा फील होता है कि जिस तरह एक बच्चे की अगर टिंड हुई हुई होती है ना, तो उसकी टिंड पे आप हाथ फेरे ना कुछ दिनों के बाद तो आपको उस तरह का फील होता है अगर आपके हेयर्स बहुत ज़्यादा थिक हैं। आई थिंक मैंने आपको सही ऑनेस्ट वाला रिव्यू दे दिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा।
और अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा थिक हैं या थिन हैं, आप उनको टिंगल रेजर से रिमूव करते हैं तो बाल सिर्फ ऊपर से कट हो रहा है, तो बालों की ग्रोथ उतनी ही रहेगी जितनी पहले थी, और आप इसको बार बार भी यूज़ कर सकते हैं, इसकी कोई एडिक्शन नहीं है। तो आप इसको अगर ना भी यूज़ करना चाहें, आप अगर करते हैं वैक्सिंग करते हैं तो वो जड़ से बाल निकल रहे होते हैं, तो वो अगेन जब आते हैं तो बहुत ज़्यादा थिक होते हैं, और फिर आपको वो एडिक्शन होती है आपको वैक्सिंग की, वो फिर आप छोड़ नहीं सकते, वो फिर बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है, तो फिर आपको लेज़र ट्रीटमेंट की तरफ जाना पड़ता है। आई थिंक ये ज़्यादा सेफ रहेंगे।